नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों हमारे भारत की ही है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जेशमा, और वो हमसे ये कहती है कि 2 साल पहले, मतलब ये जो घटना है उनके साथ जो वाकया हुआ था वो 2018 को हुआ था, लेकिन उसके 2 साल पहले 2016 को उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और बहुत ही डिप्रेशन में थी। कितना भी, मतलब उन्होंने, वो कह रही थी कि मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी, लेकिन उससे वो थोड़ा सा बाहर नहीं आ पा रही थी। और एक दिन उनके सामने दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि हम, मतलब वो सारी चीज़ों ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। जेशमा जी हमसे ये कहती है कि एक बार जब वो सोई थी तब ऐसा कोई घटना नहीं हुई उनके साथ, लेकिन उनको सपने में ही कुछ अलग ही दुनिया का, मतलब एहसास हुआ। वो ये कह रही थी कि एक बहुत ही सुंदर दुनिया, जैसे एक बहुत ही साफ सुथरा गार्डन हो, वैसा वो बहुत ही सुंदर गार्डन था। मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर फल और फूल लगे थे, मतलब उस गार्डन में बड़े बड़े पेड़ थे और उसमें फल लगे थे, और फूलों के इतने सुंदर बगीचान वगैरह थे वहाँ पर कि हमारा, मतलब, मंत्रमुग्ध जाए। और बहुत ही सुंदर वो गार्डन था। और दूसरे, मतलब, पल उसने ये देखा कि उस गार्डन में बहुत सारे लोग, मतलब, है वहाँ पे, और छोटे बच्चे भी वहाँ पर है। वो जो बच्चे थे वहाँ पे दोस्तों, उनको, मतलब, चेहरे पर इतनी, मतलब, एक ऐसी अलग, मतलब, जैसे पवित्र है, उनके मन में कुछ भी स्वार्थ नहीं है, एक बहुत ही, मतलब, वो अच्छे है, वो सारी चीज़ें उनके चेहरे से झलक रही थी, इतनी वो सुंदर दुनिया थी। और उसके बाद जेशमा ये कहती है कि वो, हम कहीं पे समझो ऐसे बैठे हैं और उसके बाद हमारे सामने से कोई चला आए, तो जैसे वो आता है वैसे ही इसके सामने एक छवि उसने देखी, और वो कोई उसके सामने से आ रहा है, और उसने ये कहा जेशमा जी ने कि वो उनकी माँ थी दोस्तों। जब वो इस दुनिया से चली गई थी उनकी माँ, उनकी उम्र 52 साल थी, और अब उनको जब वो देख रही है तो वो 25 साल से ज़्यादा नहीं दिख रही है, और वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी, और वो भी उसके भी चेहरे पर ऐसी ही पवित्रता की स्माइल और माँ का ममतापन उसके चेहरे से झलक रहा था। और बाद में जेशमा की माँ ने उससे ये कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी उस दुनिया की माँ ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा भी हूँ, और कहीं ना कहीं तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, और कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान भी तुम्हें देने की कोशिश की। जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको ही लेकर तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, तुम्हारा सचमुच बहुत अच्छा होगा। इंसान के कर्म जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी दुनिया में वो जाता है, और हम भी इतनी सुंदर दुनिया में फ़िलहाल रह रहे हैं, ये स्वर्ग ही है, ऐसा तुम समझ सकती हो। ऐसे उसकी माँ ने उसको संदेश दिए, और उसकी माँ ने आखिर में ये कहा कि जब सूचित समय आ जाएगा तब मैं तुम्हें सारी बातें कह सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा पृथ्वी का जो वक्त है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर, मतलब, जाना होगा, या फिर मुझे कुछ संदेश तुम्हें देने थे, इस वजह से ये सारी घटनाएँ तुम्हारे साथ हो रही है। और उसके बाद वो कहती है कि वो, मतलब, उसकी नींद ही टूट गई, और जेशमा जी ने अपनी आँखें खोली तब उसने ये देखा कि, मतलब, अंधेरा ही था, रात ही थी उस वक्त, लेकिन एक अलग ही, मतलब, एक जागृति का एहसास, या फिर हम अकेले नहीं हैं ऐसा एहसास उसको आजू बाजू दिख रहा था। एक वातावरण में कुछ हल्की सी, मतलब, बदल उसको दिखाई दे रहा था, और उसने ये कहा कि हाँ, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, और वो ये कहने के लिए ही मेरे कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें उसने दिखाई। और जेशमा जी ने जैसे अभी कहा कि उसकी माँ ने उसको बहुत सारी चीज़ें कही थी, तो जेशमा जी यही कह रही थी कि वो बचपन से बहुत ही डरपोक थी, या फिर छोटी छोटी चीज़ों करने में उसको डर लगता था, आत्मविश्वास की भी उसके में बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत ही अच्छे से उसने सिखाया था। उसकी माँ ने खुद भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया था, और वो हमेशा अपने बेटी को भी एक अच्छी लड़की, मतलब, बनाने की कोशिश करना चाहती थी कि जो, मतलब, उसने दुख सहा है वो उसके बेटी को ना मिले, और उसने बहुत कुछ उसको कहा था। उसकी माँ ने सबसे पहले तो ये कहा था कि अगर तुम ज़रूरतमंद किसी की मदद करोगी और तुम्हें कुछ भी ना मिले तो भी तुम चिंता मत करना, ईश्वर तुम्हें ज़रूर उसका गिफ्ट देंगे। और ये बात उसको आज भी याद है, क्योंकि आज उसने अपनी माँ को एक सुंदर स्थान पर देखा था, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों की मदद की थी। और उसने ये भी कहा कि उसकी मार्गदर्शक वो आत्मा थी। बहुत बार जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो भी अपने, जिनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, उनके साथ जन्म लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बहुत कम बार होता है, लेकिन बहुत बार होता है दोस्तों। तो ये जो सारी कहानी है, मुझे लगता है कि ये पहली तो ये बात सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ है, और दूसरी बात कि हमेशा हमारे जो कर्म है वो हमें बहुत ही अच्छे स्थान पर लेकर जाएंगे। पृथ्वी पर हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म का क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम सच्चे मन से कुछ अच्छे करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं उसका ज़रूर फल मिलेगा, क्योंकि हमारे हर कर्म लिखे जा रहे है, और वही हमें दोस्तों अपने, मतलब, विकास के स्तर पर ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी, ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सअप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।